दोस्तों मैं आपको सीरीज में कुछ वीडियोस दे चुका हूं कि आप 10 से 15 में, 15 से 20 में या फिर 20 से 30,000 में कौन सा फोन बाय कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे बेस्ट फोन अंडर 10,000 के बारे में। अगर आप देखते हैं इस बजट में भी आपको काफी सारे फोन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिन पर मैंने फोकस किया ये लिस्ट बनाते हुए। एक तो फोन में कम से कम होनी चाहिए 4GB रैम, 64GB स्टोरेज, इससे कम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। दूसरा, परफॉर्मेंस को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए हमें। ऐसा फोन हो जहां पर आप बैटल ग्राउंड भी बहुत ही आराम से खेल पाओ अंडर 10,000 की रेंज में भी। तीसरा पॉइंट है, फोन होना चाहिए सुपर वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन। आज की डेट में मैंने देखा है ऐसे फोन आ चुके हैं कम प्राइस पे, जिन फोन को आप ऑलराउंडर स्मार्टफोन्स भी बोल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला फोन है पोको की तरफ से, ये फोन है पोको M2 रीलोडेड। ये फोन भी मुझे दोस्तों काफी अच्छा लगा अपने प्राइस पे, 9-10,000 के बीच में ये फोन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर है मिरेटेक क्लियो G80 प्रोसेसर, गेमिंग आप यहाँ पर अच्छे से कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। फुल HD प्लस डिस्प्ले भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा 5000mAh बैटरी के साथ। मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं, मैंने फोन्स को कोई रैंकिंग नहीं दी है, वैसे मैंने रैंडमली पिक करे हैं फोन आपको बताने के लिए। अगर मैं रैंकिंग देना चाहूँ तो इसको मैं 5 नंबर पर रखना चाहूंगा, क्योंकि कैमरास मुझे फोन के प्राइस के हिसाब से उतने पसंद नहीं आए हैं, लेकिन फोन यूज करने में आपको थोड़ा हैंडी फील होगा। यहाँ पर है 6.53 इंच का डिस्प्ले, ज्यादा बड़ा नहीं है फोन और उतना हैवी भी फोन ये नहीं लगता यूज करने में। हमारा नेक्स्ट फोन है इन्फिनिक्स की तरफ से, ये फोन है इन्फिनिक्स होट 11। इस फोन की खास बात है आपको इतने कम प्राइस में मिल जाएगा 90Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, और ये यहाँ पर परफॉर्म भी काफी अच्छा कर रहा है और डिस्प्ले भी फुल HD प्लस है, HD प्लस नहीं है इस फोन में भी। तो यहाँ डिस्प्ले को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया, मस्त डिस्प्ले आपको मिल रहा है। दूसरा, इस फोन में स्टीरियो स्पीकर्स हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात बन जाती है 9499 के हिसाब से। जी हाँ, 9,500 का ये फोन आप बाय कर सकते हैं। तो एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए मुझे ये फोन टॉप क्लास का लगा। बैटरी है 5200mAh की। अगर मैं बात करूँ क्या यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज है, देखो परफॉर्मेंस यहाँ पर अच्छी मिलती है आपको, गेमिंग भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेसर थोड़ा पुराना है, मिडेक क्लियो G70 फोन में अवेलेबल है। बैटल ग्राउंड आप यहाँ पर भी खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करेंगे G80 या G88 से तो थोड़ा सा ये आपको पीछे दिखेगा। बाकी मैं इसको एक ऑलराउंडर पैकेज बोल सकता हूँ इसके सारे फीचर्स को देखते हुए, क्योंकि ब्राइटनेस भी यहाँ पर 500 nits आपको दी गई है। जनरली हमें इस बजट में इतना ब्राइट डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता है, हमें मिलती है 400-450 nits के आसपास की ब्राइटनेस बजट सेगमेंट में, बट यहाँ पर मजा आ गया इसको यूज करके। और मैं देख रहा हूँ इन्फिनिक्स इस टाइम बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में, ये सीधी टक्कर दे रहे हैं शोमी या रियलमी के स्मार्टफोन्स को। आप इस बारे में क्या कहते हैं कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आज टारगेट है 5000 likes का। और मुझे बताना कमेंट्स में अगर आपको इन सब में से कोई फोन लेना है तो आप अंडर 10,000 किस फोन में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, आप कमेंट करो, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हमारा नेक्स्ट फोन है माइक्रोमैक्स की तरफ से, यह है माइक्रोमैक्स IN2B। इस फोन का प्राइस है 8999, 500 का आपको यहाँ पर ऑफ मिल जाता है, ऑफर्स यहाँ पर काफ़ी सारे चलते रहते हैं। यहाँ भी आपको मिलती है 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ, और इस फोन की खास बात है इसका यूजर इंटरफेस, सुपर क्लीन इंटरफेस आपको मिलता है, क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड और कस्टमाइजेशन के सभी जरूरी ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो चाहिए होते हैं आपको एक स्मार्टफोन में। डिस्प्ले भी फोन का काफी अच्छा है, IPS पैनल है, 5000mAh की आपको बैटरी मिल जाएगी। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है UniSoC T610 प्रोसेसर, ये एक नया प्रोसेसर था इस फोन में। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं MediaTek से तो आप इसको G70 G80 से कंपेयर कर सकते हैं, उस लेवल की परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर मिल जाएगी। कोई मैंने यहाँ पर हैंग वाला इशू नहीं देखा, फोन की परफॉर्मेंस टॉप क्लास की है, आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, और बड़ी बात है हमारे इंडियन ब्रांड का ये फोन है। अब बात करते हैं एक और ऑलराउंडर स्मार्टफोन के बारे में, ये न्यू फोन है मोटोरोला की तरफ से, मोटो E40। ये फोन अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था इंडियन मार्केट में। इस फोन की खास बात है इसकी परफॉर्मेंस, इसका डिस्प्ले, इसका कैमरा और इसका इंटरफेस, तभी मैं इसको बोल रहा हूँ एक ऑलराउंडर पैकेज। यहाँ पर आपको मिलता है 90Hz का रिफ्रेश रेट HD प्लस डिस्प्ले के साथ 6.5 इंच, ये फोन भी आपको यूज करने में काफी सही फील होता है, ज्यादा हैवी ये फील नहीं होता। इस फोन में आपको मिलता है UniSoC T700 प्रोसेसर, ये भी नया प्रोसेसर था और इस फोन में हमें ये पहली बार देखने को मिला था अंडर 10,000 की रेंज में। ये फोन भी आपको 9,500 के आसपास की रेंज में मिल जाएगा। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं MediaTek से तो आप इसको G85 या G88 से कंपेयर कर सकते हैं,
उस लेवल की परफॉर्मेंस आपको मिल जाएगी मोटो ई 40 के साथ। साथ में 90 हर्ट्ज को ये प्रोसेसर बहुत ही अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, कोई लैग जिटनेस मैंने यहाँ पर नोटिस नहीं किया। इसका रीज़न एक तो प्रोसेसर है, दूसरा रीज़न है इसका सुपर स्मूथ यूज़र इंटरफेस। यहाँ पर आपको मिल जाएगा क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉयड। अगर आपको एक पावरफुल फ़ोन चाहिए स्टॉक एंड्रॉयड के साथ, तब ये फ़ोन निकलौता है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, 9,500 की रेंज में। ज़बरदस्त स्मूथनेस आपको मिलेगी और कस्टमाइजेशन के सभी जरूरी ऑप्शंस इस फ़ोन में अवेलेबल हैं, कोई कमी नहीं होगी। जो जेस्चर्स होते हैं मोटोरोला के, वो सारे जेस्चर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। रियल में प्राइमरी कैमरा आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का, ये भी प्राइस के हिसाब से ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, कोई मैं यहाँ पर भी कंप्लेन नहीं करूँगा। अब बात करते हैं एक ऐसे फ़ोन के बारे में जिसको आप बेस्ट कैमरा फ़ोन भी बोल सकते हैं बजट सेगमेंट का। ये फ़ोन भी है इन्फिनिक्स की तरफ से, ये फ़ोन है इन्फिनिक्स होट 11S। वैसे इस फोन का प्राइस है 10,999, लेकिन ऑफर्स में ये फ़ोन भी आपको कम प्राइस में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मिलता है 6.78 इंच का फुल एचडी प्लस वाला डिस्प्ले 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर है मिरेटेक हीलियो G88 प्रोसेसर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको परफॉर्मेंस को लेकर। बैटल ग्राउंड भी अच्छी खासी आप खेल पाएंगे इस फोन में। 5000mAh की बैटरी आपको मिल जाएगी। 18 वोल्ट फास्ट चार्जिंग स्पॉट भी आपको यहाँ पर मिल रहा है। खास बात है रियर में जो प्राइमरी कैमरा आपको मिलता है वो यहाँ पर है 50 मेगापिक्सल का, और ये परफॉर्म भी काफ़ी अच्छा करता है। तो ऐसे में मैं कह सकता हूँ ये इस सेगमेंट का बेस्ट कैमरा फोन बन चुका है। अगर ये आपको फोन मिलता है ना 10,000 के आसपास की रेंज में, तब आप ले सकते हैं, मजा आएगा आपको ये यूज़ करने का। परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, कैमरा सब बढ़िया है। इसके बाद एक और फोन है जिसको मैं कुछ टाइम पहले तक बोलता था एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन, ये है टेक्नो पोवा 2। ये भी आपको फोन 11,000 में मिलता है और ऑफर्स में इसको भी आप 10,000 के आसपास बाय कर सकते हैं। इस फोन की खास बात है 7,000mAh की बैटरी। ये इकलौता फोन है बजट सेगमेंट का 7,000mAh की बैटरी के साथ। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इस फोन में भी अवेलेबल है। फुल एचडी प्लस डिस्प्ले यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। बस यहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट नहीं है, उसके अलावा कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी इस फोन के साथ भी। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इन्फिनिक्स होट 11S से, तो मेन डिफरेंस है ये तो प्रोसेसर का। यहाँ पर है मिरेटेक हीलियो G85, वहाँ पर था G88। वैसे दोनों की परफॉर्मेंस में कोई ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा डिफरेंस है हाई रिफ्रेश रेट का, जो कि यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा। तीसरा डिफरेंस है रियर में प्राइमरी कैमरा का। यहाँ पर है 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और वहाँ पर है 50 मेगापिक्सल का कैमरा। मुझे ज़्यादा अच्छा लगा इन्फिनिक्स होट 11S का। मेन बात है अगर आपको बेस्ट बैटरी वाला फ़ोन चाहिए तो आपके लिए टेक्नो पोवा 2 है, बेस्ट कैमरा चाहिए तो इन्फिनिक्स होट 11S है, और बजट में हाई रिफ्रेश रेट चाहिए तो इन्फिनिक्स होट 11 है, सुपर क्लीन एक्सपीरियंस चाहिए तो मोटो ई 40 है, साथ में इंडियन ब्रांड का बजट वाला 20 चाहिए तो माइक्रोमैक्स इन 1 भी आप देख सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर सभी फ़ोन के बारे में बता दिया है। अब आप बताना मुझे कमेंट्स में, अगर आपको कोई फ़ोन चाहिए अंडर 10,000 तो आप इन सब में से कहाँ पर इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। मुझे ये सारे ही लगे हैं वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन। मुझे उम्मीद है आपको कुछ हेल्प मिली होगी आज की वीडियो से। अगर आपको हेल्प मिली हो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।